हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल स्टडी इन हिंदी क्लास सेकेंड। हिंदी रिमझिम में हम पहुँचे हैं यूनिट नंबर टू पर। यूनिट नंबर टू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सेंड कर दिए हैं। अब हम करेंगे पेज नंबर 12 में जो एक्टिविटीज़ है वो हम आज करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी है पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो हमें एक क्रम में लिखना है। ये जो स्टोरी हमने पढ़ी भालू ने खेली फुटबॉल, वो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, उसको हमें सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, भालू साहब शेर को निकले, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले कौन सा आएगा सेंटेंस? तो सबसे पहले आएगा फोर्थ नंबर का। तो यहाँ पर लिखना है फोर्थ नंबर लिखना है, भालू साहब शेर को निकले। फिर आएगा फर्स्ट वाला सेंटेंस, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। तो यहाँ पर लिखना है फर्स्ट। फिर आएगा सेकेंड वाला सेंटेंस, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। उसके बाद आएगा फिफ्थ वाला सेंटेंस, भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। यहाँ पे लिखना है फाइव। फिर आएगा थर्ड नंबर का सेंटेंस, भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो ऐसे हमें सही क्रम में लिखने हैं, 4, 1, 2, 5 एंड 3। नेक्स्ट है क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता? तो क्या होता कि शेर का बच्चा नीचे गिर जाता और उसको चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9, 2, 11 न होता तो क्या होता? शेर का बच्चा अगर वहाँ से भाग नहीं जाता तो वो जो माली था उसके पास से जुर्माना लेता और उसे डांट लगाता, फटकारता। नेक्स्ट एक्टिविटीज है खेल खेल में। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? हमें ऐसे ही सोच के आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है, क्योंकि यह पैर से खेलने वाला गेम है। पैर से हम उसको किक मारते हैं ना फुटबॉल को, इसलिए उसको फुटबॉल कहते हैं। फिर ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें गेंद बॉल मतलब गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर एक एग्जांपल दिया है पिट्ठू। सेकंड लिखना है क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस। यहाँ पे खेल का गेम का नेम लिखना है। नेक्स्ट है ठंड से तुम्हारी समझ से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो वो अपने माता पिता के पास जाकर भी बैठ सकता था ना, फिर आग के पास भी बैठ सकता था तो उसे ठंड नहीं लगती, ठंड से बचा रहता। उलट पुलट, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। सबसे पहले है शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था, हमें ऐसा ही दूसरा सेंटेंस लिखना है। शेर का बच्चा फिर से कूदने को कह रहा था, पेड़ की एक डाल लपक ली। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? उसके सामने राइड की निशानी करो। देखो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं, जो वो करते हैं उसके सामने राइड करना है। दौड़ लगाती हो, हम ठंड के जब बहुत ठंड होती है तो हम दौड़ने जाते हैं ना, तो यहाँ पे राइड करना है, हाँ तो हम दौड़ लगाते हैं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, हाँ ऐसा भी करते हैं, तो यहाँ पे राइड करना है। रजाई ओढ़ते हो, तो हाँ राइड करना है।
आग तापते हो? यस, तो यहाँ पे राइट करना है। ठंडा पानी पीती हो? नहीं नहीं, ठंडी में हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग करना है। गर्म पानी में नहाती हो? राइट, गर्म पानी से ही नहाते हैं हम। गर्म गर्म चाय पीती हो? हाँ, गर्म गर्म चाय भी पीते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमने सारे एक्टिविटीज अभी फील की, मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब आपको ये सारी एक्टिविटीज है अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है, होमवर्क में आपको ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखा के दिए, आगे और पीछे पेज नंबर 12, 13 और 14 पर वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है।